नमस्ते। चलिए आज हम बात करेंगे कि सीबीसी क्या होता है और इसमें क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं। सीबीसी का फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट, या फिर हम इसे बहुत सारे डॉक्टर्स कंप्लीट ब्लड पिक्चर के नाम से भी आपको ये जांच लिख देते हैं। अब ये होता क्या है, इसमें क्या क्या आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पर साथ में एक सीबीसी रिपोर्ट लगा देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन की बात कर ले। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में एक मौजूदा प्रोटीन है जो शरीर में ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 13 से 17 या 12 से 15 महिलाओं में। अगर आपके ब्लड में इसकी कमी आ रही है तो आपको अनीमिया हो सकता है, तो कृपया इसकी जाँच कराएं। इसके अलावा हमारे ब्लड रिपोर्ट में हमें आरबीसी काउंट्स को देखना है। आरबीसी क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं का मेजरमेंट है। ये होती है 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक। अगर इसमें भी आपकी कमी आ रही है या ये बढ़ रही है तो भी तकलीफ का विषय है। कम हो रही है तो कई तरीके के अनीमिया है, हम एक एक अनीमिया को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है, तो अलग अलग तरीके के अनीमिया होते हैं, इनके बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। इसके अलावा कुछ रेड ब्लड सेल इंडाइसेस भी होते हैं जैसे MCV, MCH और MCHC। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी इसमें MCV है, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। इसका मतलब है ये RBC का साइज बता रहा है आपको। नॉर्मल इसकी जो रेंज है वो 80 से 100 फेमटोलीटर होती है। अगर 80 से कम है इसका मतलब आपकी RBC आपके शरीर में छोटी छोटी हो गई है। अगर 100 से ज़्यादा है तो इसका मतलब RBC बड़ी बड़ी हो गई है। छोटी RBC हमें जहाँ तक आपने सुना होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मिलता है, क्योंकि ये महिलाओं में सबसे कॉमन है। प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा यही एनीमिया होता है, इसीलिए महिलाओं को जब वो पेट से होती है आयरन की गोलियाँ दी जाती हैं। जब ये बढ़ जाता है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसके अलावा MCH और MCHC जो होते हैं वो RBC में जो प्रोटीन होता है यानी कि हीमोग्लोबिन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन बताते हैं, ठीक है। अगर MCH बढ़ा हुआ है तो आपकी RBC बहुत ज़्यादा कलर हो सकती है, क्योंकि RBC का जो कलर है वो बेसिकली हीमोग्लोबिन की वजह से ही आता है। अगर ये कम है तो आपकी RBC पैलर यानी कि सफ़ेद सफ़ेद सी RBC आपको मिलेगी, कम कलर वाली मिलेगी आम भाषा में समझे तो। अब इसके अलावा WBC काउंट, WBC सेल्स क्या होती है, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बताती हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, 4000 से लेकर 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर ये कम हो गई है इसका मतलब आपके शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कम हो गई। अगर ये ज़्यादा हो गई है तो इन्फेक्शन में भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। WBC इन्फेक्शन में कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे अभी आप कोरोना में देख रहे थे कि कोरोना में WBC का काउंट काफ़ी कम हो जाता है। डेंगू हो गया, डेंगू एक ऐसा फीवर है जिसमें WBC काउंट कम हो जाता है। ब्लड कैंसर्स में WBC का काउंट बढ़ जाता है ल्यूकेमियाज में। अब बात करें कितने तरीके की WBC हमारे शरीर में है, 5 तरीके के, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। चलिए अलग अलग इनके बारे में बात करें। न्यूट्रोफिल्स बेसिकली इन्फेक्शन से लड़ती है, तो जब भी कोई इन्फेक्शन होता है आपके शरीर में तो न्यूट्रोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है। कौन से इन्फेक्शन में, बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन है। अगर यही इन्फेक्शन आपका वायरस की वजह से हो रहा है तो न्यूट्रोफिल्स का काउंट कम हो जाता है। नॉर्मली 50 से 70% जो WBC है उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स ही मिलती है। लिम्फोसाइट की बात करें, 40% तक हमें लिम्फोसाइट मिल सकती है। कौन से इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट्स बढ़ जाती हैं, वायरल इन्फेक्शन, जैसे अभी कोविड हुआ था बहुत सारे लोगों को, तो उनके में आपने देखा होगा कि लिम्फोसाइट्स बढ़ी है 60%, 65%। या कोई कैंसर है जैसे क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है, इसमें भी लिम्फोसाइट का परसेंटेज बढ़ जाता है। अब बात करें मोनोसाइट, मोनोसाइट नॉर्मली 2 से 10 हमारे शरीर में रखती है, परंतु कोई लंबे समय से आप बीमारी से जूझ रहे हैं जैसे मलेरिया है, TB है, इन सब में मोनोसाइट का काउंट बढ़ जाता है। अब इओसिनोफिल की बात करें तो इओसिनोफिल जो है वो पैरासिटिक इन्फेक्शन में बढ़ जाता है। जो इन्फेक्शन आपको बाहर से किसी पैरासाइट की वजह से लग रहा है, जैसे फाइलेरिया हो गया, ये सब पैरासिटिक इन्फेक्शन में आता है। इसके अलावा एलर्जी हो गई, आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या फिर आपको अस्थमा है, इन पेशेंट्स में भी हम क्या देखते हैं, इओसिनोफिल का काउंट बढ़ा हुआ मिलता है। बेसोफिल हमारे शरीर में बिल्कुल मात्रा में होती है। अगर ये बढ़ गई है तो कैंसर जैसे CML है, क्रोनिक मायलोइड ल्यूकेमिया, उनमें हमें बेसोफिल्स बढ़ी हुई मिलती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं प्लेटलेट की, क्योंकि अभी हाल फिलहाल डेंगू का सीजन आया था तो आप सबने सुना होगा कि प्लेटलेट रिड्यूस हो गई है। प्लेटलेट करती क्या है, ये बेसिकली हमारे शरीर को बांधे, शरीर के खून को बांधे रखती है, एक तरीके से क्लॉटिंग को प्रिवेंट करती है, खून इकट्ठा नहीं हो या खून पानी की तरह बहने न लगे, इसके लिए
सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख तक ये नॉर्मल रहती है, परंतु किसी व्यक्ति विशेष की प्लेटलेट, अगर आप में से किसी की प्लेटलेट 1.5 लाख से कम है तो आप ज़रूर दिखाइए। और अगर आपको प्लेटलेट कम होने के साथ धीरे धीरे आपकी प्लेटलेट कम हो रही है और बुखार बना हुआ है तो ज़रूर दिखा लें, क्योंकि डेंगू का सीज़न अभी अच्छा खासा चल रहा था तो आपको डेंगू भी हो सकता है। तो ये एक छोटी सी चर्चा थी सीबीसी के ऊपर। अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को, डॉक्टर की पाठशाला को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।